News 18, India. ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में आज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं होंगे। आपने बाकायदा बयान जारी कर यह कहा कि मामला कोर्ट में है, सुनवाई 16 मार्च को है, ऐसे में ईडी अदालत के फैसले का इंतजार करे। केजरीवाल एक बार भी ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं। ईडी ने केजरीवाल को यह 7वीं बार समन भेजा है। आज भी आपकी तरफ से कह दिया गया कि मामला कोर्ट में है, 16 तारीख को सुनवाई है, उसका इंतजार करे ईडी। जावेद हमारे सहयोगी, हमारे साथ जावेद, 7वीं बार समन किया गया था अरविंद केजरीवाल को, आज भी इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मामला चूंकि कोर्ट में है, 16 मार्च को सुनवाई होनी है, उसका इंतजार करे ईडी। देखिए, बिल्कुल आज 7वां समन जारी किया गया था, आज अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए एक बार फिर से बुलाया गया था, और इस बार भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया है कि आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। साथ ही जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि हम पर ये प्रेशराइज ना करें कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ेंगे और इस तरह केंद्र सरकार हम पर दबाव ना बनाए। और साथ ही ये भी कहा है कि मामला चूंकि कोर्ट में है, इसलिए रोज ईडी समन ना भेजे। बिल्कुल, तो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा, किसी तरह का दबाव ना बनाए, मामला कोर्ट में है, 16 तारीख को सुनवाई है, उसका इंतजार करे, ये कह दिया गया। यानी आज भी जो 7वीं बार समन भेजा गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल।